हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं ज्योति और कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूं बैंगन का कोफ्ता, क्योंकि मौसम बहुत ही सुहाना है, बारिश झिमझिम सी बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ नया बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे बैंगन को अच्छे तरीके से छील लिया एंड उसको नमक वाले पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। एंड फिर बैंगन को हम फिर क्या करेंगे कि महीन ग्रेटर में ग्रेट कर लेंगे और बहुत ही बारीकी से ग्रेट करेंगे, क्योंकि हमें इसके कोफ्ते में बनाना है तो कोफ्ते में वो पता नहीं चलना चाहिए कि हम बैंगन का कोफ्ता बनाए हैं। अगर आपके पास बीज वाले बैंगन ना हो तो बहुत ही अच्छा है, मेरा इसमें थोड़ा सा बीज था बट कोई नहीं, टेस्टी बहुत ही बना था। और फिर हम ग्रेट कर लेंगे एंड फिर इसमें हम डालेंगे हल्दी और नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, और काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा डालेंगे और महीन बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे, और उसके बाद फिर बेसन डाल करके मिला लेंगे। इसमें पानी थोड़ा सा भी नहीं ऐड करना है, क्योंकि बैंगन में इतना ना मॉइस्चर रहता है कि वो अपने आप ही जो एक डो है जो तैयार हो जाएगा, मतलब तलने के लिए। और फिर हम तेल को गर्म करने देते हैं और यहाँ पे हम कुछ मसाले को तैयार कर लेते हैं। तो मसाले में मैंने लिया है अदरक, लहसुन एंड काली मिर्च, जीरा और हरी मिर्ची एंड टमाटर। एक टमाटर मैंने मीडियम साइज़ के लिए, अगर आप चाहें तो रेड चिली भी डाल सकते हैं, बट हम लोग रेड चिली नहीं खाते हैं अभी फ़िलहाल। तो फिर यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है और हम पकौड़ी की तरह गोल गोल छोटे छोटे बॉल्स की तरह बना लेंगे, इसको तल लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक। अलट पलट करके बना लीजिएगा और मीडियम फ्लेम पे ही बनाइएगा, क्योंकि ज़्यादा लो पे नहीं और ज़्यादा हाई पे नहीं, तो बहुत ही अच्छा हमारे पकौड़ी बन के तैयार हो जाएंगे। एंड मैं आपको यहाँ पे तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये देखिए, ये पकौड़ी जो है बहुत ही सॉफ्ट बनता है। एंड सारा मैं फ्राई कर ली और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे सारे खड़े गरम मसाले, इलायची, मतलब दालचीनी, जीरा एंड फिर तेज़पत्ता से हम इसे तड़का लगा देंगे। हरी मिर्च हम डाल लेंगे और फिर जब हमने बारीकी से काट कर प्याज को रखा हुआ है उसको फिर डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे गोल्डन होने तक। एंड फिर जो हमने पेस्ट बनाया है सारे मसालों को वो ऐड कर देंगे, और इसमें हमने हल्दी नहीं डाला था तो हल्दी पाउडर ऐड करेंगे एंड फिर टेस्ट अकॉर्डिंग ना, और इसको अच्छे तरीके से हमें भूनना है। ये देखिए, तो मसाला हमारा भूनकर बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी, तो पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा, आपको ग्रेवी कितना थिक चाहिए थिन चाहिए। मुझे हल्का सा, मतलब ना ही थिक चाहिए था और ना ही पतला चाहिए था, तो इसलिए मैंने थोड़ा मीडियम में ही पानी डाला है। एंड जब पानी में उबाल आ जाए तो सारे आप कोफ्ते को डाल दें एंड इसको ढक करके हमें कम से कम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देना है। एंड आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा बैंगन का कोफ्ता ग्रेवी बन करके रेडी है। आपके मुंह में भी पक्का पानी आ रहा होगा देख करके। और इसे हम डेकोरेट कर सकते हैं धनिया पत्ता से, आप किसी भी चीज़ से, बट मेरे पास यहाँ पे धनिया पत्ता ख़त्म हो गया था तो इसलिए मैंने हरी मिर्च को ऐसे ही डाल के डेकोरेट कर दिया। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आए। बाय।